राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में चल रहे 72वें इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के समापन समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भेंट दी। हाल ही में दुनिया ने कोविड का बुरा दौर देखा है। इस परिस्थिति में भारत ने कुछ ही महीने में खुद का टीका भी तैयार कर लिया और देशवासियों को महामारी से लड़ने की ताकत दी। इसके साथ ही 106 देशों के लोगों को 30 करोड़ खुराक की आपूर्ति भी। हमारे पास वैज्ञानिकों और फार्मासिस्ट की शक्ति है। केवल दवाओं के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन यहाँ किया जाए तो भारत दुनिया की फार्मेसी होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह विश्वास व्यक्त किया। इस मौके पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सलाहकार डॉक्टर राजेंद्र काकड़े, राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी, इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष टीवी नारायण और वडलामुड़ी राव, पंकज बेक्टर आईपीसी, आयोजन समिति के अध्यक्ष अतुल मंडलेकर, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आयोजन समिति के सचिव प्रोफेसर मिलिंद उमेकर, आयोजन समिति सचिव प्रोफेसर प्रकाश इटनकर, समन्वयक डॉक्टर चंद्रकांत डोईफोड़े, संयोजक डॉक्टर प्रमोद खेड़ेकर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर निशिकांत राउत मौजूद थे। फॉर द वर्ल्ड इन महाराष्ट्र एज वेल वी हैव स्टार्टेड acquiring land to create a bulk drug park. In Bihar also, we want the pharmaceutical companies to come. We are creating an ecosystem there. Our honorable leader, Sri Nitin Gadkari ji, is also leading from the front. And I'm sure that in Maharashtra, a new ecosystem into manufacturing of drugs and also medical equipments will be created very soon. I am sure that with all the deliberations in the 72nd Indian Pharmaceutical Congress and with all your 5 resolutions which you are going to present to the government, I would also like to assure you that all your 5 resolutions which you are going to submit to the government as a part of state government, I would also try to back your resolutions to the central government so that we create a new ecosystem. I'm very happy that this IPC, after 41 years, was hosted by Nagpur. I hope that Nagpur has treated you well. Nagpur is always welcoming. And I'm sure that you will take back very fond memories of the city of Nagpur. I would once again like to congratulate. कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।